हाउस बिल्लाह में शैतान या जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम खाजा ऑन डिमांड के साथ मसूद ख्वाजा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू कहता है, जीएम कहता है, वशमले कहता है, पखैर वाले कहता है, हरकत आओ, हर वक्त आओ, खुश आमदीद, मरहबा, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, भली करे आयो, जो जो कह सकता हूं कहता हूं और कहता रहूंगा। कहते हैं कि आप सच्ची बात हमेशा कहते रहें, इंशाल्लाह असर करेगा। कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है जो किसी भी लम्हे किसी की जरूरत होती है। मेरे दोस्त का कहना था, मेरे वालिद साहब क्योंकि दोस्त ही थे, तो वालिद साहब कहते थे कि जब मुझे आदत थी कि मैं जमीन से कोई भी कागज पड़ा हुआ उठा के मैं पढ़ लेता था, पेपर देने के लिए जा रहा था तो मेरी आदत ने क्या काम किया कि रास्ते में जाते जाते एक कागज मिला, मैंने उठा के वो पढ़ना शुरू कर दिया। जब मैं उस जगह पहुंचा तो उस पेपर में पहला सवाल ही यही था, होता यह है कि आपने बड़ों की बातें सुनी। कहते हैं कि किसी निशिस्त में किसी जगह बैठना हजार किताबें पढ़ने से बेहतर होता है। आसान लफ्जों में अमली जिंदगी में अमल जो है बड़े काम आते हैं। ये नहीं कि तुम कराची होटल दरबार बैठ के गप्पा करो, ये ना ख्वाजे दे अमल बड़ा रश होता है, क्यों? उसकी वजह से रहमत होती है और बातें करना जो है ना बड़ा जरूरी होता है। गलत बात हमारे बच्चे जरा जल्द सीखते हैं, बच्चों को बचाना है। आज अगर अपने बच्चों से हम दोस्ती नहीं करेंगे तो कल बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। जैसे बिगड़े हुए बच्चे, जैसे हम बिगड़ गए थे, हमारे बच्चे भी बिगड़ सकते हैं। मौसम ऐसा है जी, लाहौर क्या हो, पूरा पंजाब में जो मौसम है इस वक्त, और वो ख्याल कीजिए लाहौर के मेरे यार, मेरा शहर लाहौर, ये जनाब आप मास्क जरूर पहने, मास्क जरूर पहने, बड़ा जरूरी है। और रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी ये दो तीन दिन से जो मौसम है वो शाम के टाइम वो गले में खारिश, वो जो है आंखों में, ये चीजें बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। इसलिए अपनी हिफाजत कीजिए और सेहत रहेगी तो बाकी काम करांगे। बाकी कमाल तो याद आया, आज का टॉपिक बड़ा कमाल है जी, सुभान अल्लाह। किराए पे रहने वाला आदमी हूं, करोड़ों कमा के भी मालक मकान को दिए हैं, इसलिए इन टॉपिक्स पे ड्रामा या प्रोग्राम करने में मुझे खुशी महसूस होती है। किराएदार और मालक मकान की लड़ाई ऐसी ही है जैसे इधर उमर तो बाकी कैमरामैन ने लड़ाई, मतलब हर वक्त हर लम्हा। किराएदार किराया देता है, एक चीज का पैसा देता है, लेकिन मालक मकान पैसा लेके भी जो हरकतें करता है, ये मैं नहीं कहता, ये किराएदार कहते हैं। किराएदार मालक मकान की लड़ाई क्या हो गया जी, किराया टाइम पे नहीं दिया। यार अगर दो तीन दिन आगे पीछे हो गए हैं, अब धरने ने मेरे 50 प्रोजेक्ट खराब किए हैं, मैं तो नहीं रोया, घर में ही रोया हूं कमरा बंद करके, बाहर तो नहीं रोया। तो इसी तरह किसी की तनख्वाह लेट हो जाती है, किसी का कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो किराया लेट हो जाए तो मुसीबत। मालक मकान ये कहता है कि सानू भी तसी यही किराया ही आंदा, यार तुम और काम करो, साढ़े तो बैठे हो। मेरे पहली मेहमान एक खातून है, किराएदार है एक मालक मकान की, बड़ी तपी बैठी होती है, लड़का सी औरत है लेकिन बात सच्ची करती है। मेरे पास जो मेहमान है जी, क्या हुआ जो हो गया जी आपके मालक मकान को, क्या हुआ? ख्वाजा साहब क्या बात बताओ आपको भाई, जितने आजाब, जितनी मुसीबतें, जितनी बीमारियां, जितने भी आजाब हैं और जितने भी इस हमारे मुल्क में जितने भी मसाइल हैं, उन सब को डालें तो तब जाके हमारा मालिक मकान बनता है। मतलब के कुछ ना बन सका तो मेरा मालिक मकान बना दिया? अरे और क्या बताए, इतनी आजाब में खड़ा किया हुआ है उसने। जब भी कोई, अभी 3 तारीख होती है, किराया लेकर आ जाता है। जब हमने घर लिया उस वक्त तो हमारे मालिक मकान की तारीफें करते हुए मुंह सूखता था, हमारे को बोलता अरे बेटा हमारा घर तो इतना अच्छा है, इसमें पानी है, बिजली है, दुनिया की हर चीज है। और जब हम उस घर में शिफ्ट हुए, ना पानी, ना बिजली, ना गैस, आप यकीन जानोगे मैं जिस तरह से वहाँ गुजारा कर रही हूँ कि आपको बता नहीं सकती। मकान भी तो नहीं मिलते ना, प्रॉब्लम तो ये ना, मकान भी नहीं मिलते, ना सस्ते ना म्यारी, मकान ही नहीं मिलते तो क्या करें, मुसीबत के मारे हम यहाँ शिफ्ट हो गए। अच्छा मेरे से बदमाशी करने की क्या, क्यों करें मेरे साथ, आप क्यों बदतमीजी कर रही हैं? आप हमें बताएं, तुम इससे हमें क्या बताएं? खामोश हो, हमारी बात गौर से सुनो। हमारे घर में हम रहते हैं या आप रहते हैं? हमारे घर के वॉशरूम बंद है, टूटी है, टूटी हुई है। ओए फंती दी बात तो मान लो, उन्होंने वो काले को उतरती है उसकी, बहुत सी बातें करूंगा अभी आपसे मैं। हमारे एक और मेहमान है, तो किराएदार खातून हो गई, मेहमान हमारा ये बड़ा कमाल आदमी है। 3 किलो कमीनगी, 4 किलो बेसब्री मिक्स करे तो मालक मकान बनता है। हमारे मालक मकान है और इनसे सिर्फ बात करेंगे। आप मालक मकान है भाई जी? और बात है, रेड़ी लाना मालक मकान है। मालक मकान रेड़ी नहीं लाते? रेड़ी नहीं लाते, और मालक मकान सारी जिंदगी की जमा पूंजी लाई है मकाना ते। हाँ। मैनू की लोड़ है रेड़ियां लाने दी?
अल्लाह का शुक्र है मैं मकान बनाए ने चार चार मरले च बनाए ने उ चार चार मंजिला बनाती ने सारे किराए से चाढ़े ने और सारी जिंदगी की पूंजी लाती मैं इन्होंने मकाना से इतना मैं खपया दो दो साल में एक मकान बनाने च लग जाते मालक मकान है और जेड़ा पैंदा मालक मकान नू बुरा कहना कभी यह भी सोचे ना है टाइम से किराया देंदे लोग इन्हों की पता कि मैं एक एक पाई पाई करके लाया उत्थे मकान दे उत्थे आ मैं बजरिया कुटता रहा आ मैं इटा चुक के आ मजदूरिया करता रहा वा तो फिर किराया ना लवा जो बंदा मकान बनाने पे मजदूर का हक खा गया बजरी कुटता रहा वो किराएदार को बड़ी नफरत है आपसे भाई आपका तय है कि 10 तारीख तक सरकारी मुलाजम है तो 2-4 तारीख तक पैसे आ जाते हैं लेकिन प्राइवेट आदमी 10 तारीख तक आप 3-4 तारीख को किराए के लिए पहुंच जाते हैं यार ओ हाय साहब ओदे विच एग्रीमेंट लिखा होया जेड़ा प्रॉपर्टी डीलर बैठा भाई ओ भाई एग्रीमेंट 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 इंसानों ने बनाया ना देर से बड़ी बातें करूंगा लेकिन मैं जरा आगे चलता हूं फिर वापस आपसे आएंगे हमारे पास एक और किराएदार है जी खवातीन किराएदार है जिनके शोहर इस मुल्क में नहीं है यहां कहीं दूसरे शहर में होते हैं उनको तो ये बहुत तंग करते करते हैं लेकिन ये किराएदार सरफिला सा आदमी है ये क्यों तंग हो रहा है इसी से बात करेंगे करेंगे जी के हैं ये किराएदार आप भी किराएदार है भाई आपका मसला क्या है जी मेरे कानों से धुआं निकलता है मेरे पेट में गऊ माऊ होती रहती है ओए आपको मेरे चेहरे के तसरात से अंदाजा नहीं हो रहा कि मैं कितनी टेंशन में हूं मैं मालिक मकान से कितना तंग हूं असल में कुछ लोग जूतों के काबिल होते हैं जैसा कि आप मुझे बताएंगे कि वो कौन कौन से लोग हैं कि जो जूतों के काबिल हैं मैं कितनी परेशानी में हूं कितना तंग हूं मैं परेशानी पहले बताऊंगा जरूर आपको सिर्फ एक छोटी सी बात मैंने आपसे करनी है कि हैप्पी बर्थडे टू यू लेकिन दरअसल आज के दिन जाबिर बिन अयान ने लोटा ईजाद किया था और उस निस्बत से मैं आज हर लोटे को विश करना चाहता हूँ हैप्पी बर्थडे टू यू मैं जिस घर में रहता हूं तू क्यों हंस रहा है कैमरा मैन मेरी बेइज्जती होती है मेरे बंदे हंस रहे होते हैं बेइज्जती क्यों ना हो भाई सब आपकी किराएदार बंद किराएदार दो दो जगह किराया देते हो तीन तीन जगह चार चार जगह मैं किराया देता हूँ जिस तरह तुम्हें इज्जत नहीं मिलती इस तरह मकान नहीं मिलता लेकिन मैंने इज्जत मिल जाएगी तेरे मकान घर भी नहीं मिलता जिस घर में मैं रहता हूँ एक कमरे का घर 8 बंदे बच्चों समेत एक कमरे में रह रहे होते हैं बच्चे तेरे मेरे अपने 6 बच्चे हैं क्या अपने क्या फैमिली पूरी 2 और 6 बच्चे एक कमरे च 8 बच्चे यकीन जाने भी उठे कुत्ता भी उठे आपका जिक्र अभी नहीं आया यकीन जाने कि मैं खुद पानी वाली मोटर वाली जगह पे सोया होता हूँ सीढ़ियों के नीचे एक दूसरे के ख्वाब हमारे आपस में गड़मड़ हो जाते हैं और एक दूसरे की जहनीत का पता चलता है कि घर में एक दूसरे से मुंह छुपा के फिरते हैं और उस घर के ऊपर थिएटर एक दूसरे को मुंह छुपा के फिरते हैं ये बात आपकी सही बहुत सी बातें कर ली आपके आखिरी बात सुन देंगे जो मेरा मालिक मकान है सुबह सुबह आके बेल बजाता है सुबह सुबह आके बेल बजाते हैं मैं जी खैरियत कहते चेक कर रहा था बेल चल रही है कि नहीं चल रही अच्छा सुबह सुबह मेरे घर में भी बेल बजती है बेल बजती लेकिन वो तो कूड़ा लेना होता है ना जी सांसों में आप आए में आप एक सेकंड अब कहो सांसों में आप दिल में आप आंखों में आप जिधर देखता हूं आप ही आप न जाने कब होगी हमारी जिंदगी जरासीमों से पार यार ये बहुत शुक्रिया आपको पता नहीं है आपके मॉडल के तो खुसरे भी आप मार्केट में नहीं मिल रहे लेकिन तुम तो कह रहे थे तुम्हारा भाई अभी चलता फिरता बहुत सी बातें करूंगा जी ये प्रॉपर्टी डीलर इनको अगर उर्दू में कहूं तो बड़ा मायूब लगता है खावर यू भी लगते हैं कि ये प्रॉपर्टी डीलर किराए का मकान दस्तयाब है छोटा सा बोर्ड लगा के कबूतरे के दड़बे को कबूतरों के दड़बे को मकान कहते हैं और इस तरह ये बयान करते हैं किराएदार के आगे कि आपका मालिक मकान फरिश्ता है मकान आपका ऐसा है ना बिजली ना गैस का प्रॉब्लम ना फला प्रॉब्लम वही बातें फिर मालिक मकान से करते हैं कि ये ऐसा किराएदार है ये प्रॉपर्टी डीलर पैसे लेके ऐसे गायब होते हैं जिस तरह सींग गायब होते हैं एक जानवर से उनसे भी बात करेंगे अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम प्रॉपर्टी डीलर है आप अल्लाह का शुक्र है खबर साहब ये बताइए आप लोगों को क्यों धोखे में रखते हैं और कब धोखे में रखा है ओए हम कोई मां बेटी बहन बेटियों की कोई रिश्ते करवा रहे हैं ओए मकान किराए पे लगाते हैं मालिक मकान हमें कहता है जी कि हमें शरीफ किराएदार चाहिए और बहुत कम फैमिली वाला चाहिए छोटी फैमिली हाँ मैं जाके उस किराएदार से पूछता हूँ कि यार आप शरीफ हो वो कहता है जी शरीफ हूँ मुझे तो यकीन करना पड़ता है तेरे सदके जाऊं उन्होंने कह रहे हैं कि तुसी शरीफ हो और कभी कोई आवारा आदमी भी कहेगा मैं आवारा हूं
और नहीं कहता लेकिन वो शरीफ कहता है, हम उसकी जबान का यकीन करके मालिक मकान के पास ले जाते हैं और हमने अपनी मजदूरी लेनी होती है, दोनों को बिठाते हैं, कागज सामने रखते हैं, लिखाई पढ़ाई करके उनको गैस का बिजली का सब कुछ बता के अपनी मजदूरी डालते हैं जेब में और चल पड़ते हैं। और कोई हम कोई बदनामी करते हैं, हम कोई फ्रॉड करते हैं, हम हमारा नाम कोई पनामा लीग में आया हुआ है। अभी तुम कहेगा एक मकान मेरा लीग में आ गया है। और ख्वाजा साहब अगर बुलाया है तो हमारी मशहूरी करो, वो हमारा काम चलता ही ऐसे है, हम तो जुबान पे यकीन करते हैं और उसी तरह आगे जाके बोलते हैं। दोनों तरफ से पैसे ले लेते हो, मकान आप किराए पे दिखाया, आप मालूम काम कह रहा होता है कि भाईजन 15,000 थे दो कमरे चढ़ाने ने, आप कहते 15,000 और भाईजन 22,000 से चढ़ावांगा, सिर्फ इसलिए कहते हैं कि आपने उधर से भी 11 लेनी है, उधर से आपने 22,000 लेके साइड पे हो जाना है, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, दोबारा मुंह नहीं दिखाते आप। और सिर्फ यही नहीं करते कि 22,000 में जब वो मकान लगा देते हैं उनको फिर मशवरा देते हैं कि इनसे खाली करवाएं, आप 24 में लगा के देंगे, ये कौन सा मजदूरी नहीं करते? मुनाफिक मुनाफिक आदमियों वाली हरकतें करते हो तुम। तू अपना नाम पप्पू रख लिया गन्ना कर दे। मुनाफिकत से याद आया सर जनाब, जी जी जी, एक पुरानी कहावत है कि इंसान कितना भी गया गुजरा हो, कितना भी चबल हो, उसके साथ सलाम दुआ रखनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे आपसे? ठीक है एक कॉलर है मेरे साथ, मेरी इज्जत बचाने के लिए जी। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान कहां कौन सा कहां से? आज आपने टॉपिक जो छेड़ा है मालिक मकान और किराएदार का, बहुत अच्छा टॉपिक है। बड़ी मोहब्बत, कौन सा बोल रहे हैं जी? मैं कराची से बात कर रहा हूँ जी। बिस्मिल्लाह, क्या कहिएगा? मैं कहना चाहता हूँ कि जी किराएदार जो मुख्तलिफ अंदरूनी शहरों से जो मसाफात के इलाकों से लोग आते हैं शहर रोजगार के लिए, मालिक मकान उनके रवैये इतने सख्त रवैये हैं उनके, किराएदारों को इतना तंग करते हैं, पानी बंद कर देते हैं, अगर दो दिन सैलरी हमारी पीछे से हमें जो ना तनख्वाह नहीं मिली उनको 5 तारीख को तनख्वाह, उनको जो है किराया चाहिए, अगर नहीं देंगे एक दिन, इतना तंग करते हैं मालिक मकान हद से ज्यादा। ऐसा कानून बनना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल सही, ये जो एजेंट आपने बिठाया हुआ है जिसको आप कह रहे हैं उर्दू में, जो जिनके लिए कहेंगे उर्दू में, इनको तो दलाल कहना चाहिए, ये दलाली करते हैं, खाते हैं दोनों तरफ से। तो ये असल और नकल की, अच्छी और बुरे की जो है ना तहजीब, इनको 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 तो पैसा चाहिए, गलत आदमी को भी और सही आदमी को भी। इंक्वायरी मुकम्मल होनी चाहिए इनके पास। ये आदमी तनख्वाह की अगर 30,000 है महीने की तो किराया 16-17,000 है, ये आप ये अफोर्ड कर सकेगा ये नहीं कर सकेगा? इनको बस इनको कमीशन चाहिए, बस आएंगे कमीशन लेंगे मजबूर आदमी से और उस गलत आदमी के मालिक से जो है ना, उनका भी रवैया पता हो पिछले किराएदार के साथ इन लोगों ने क्या हालत की थी, आने वाले शरीफ आदमी के साथ ये क्या हालत करेंगी। जो ये एडवांस लेते हैं अगर मकान खाली करवाते हैं तो एडवांस वापस नहीं करते, तंग करते हैं, तंग करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कराची से। इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा जी। आप किराएदार, मसाइल ही मसाइल है ख्वाजा साहब, मसाइल ही मसाइल है। 20 साल आप एक मल्ले में किराएदार की हैसियत से रहे, मल्ले की शरीयत आपको नहीं मिलेगी, आपको किराएदार ही माना जाएगा। मकान लेने से पहले इतनी इंक्वायरियां किराएदार की होती है कि मैं आपको क्या बताऊं, कितने मसाइल होते हैं, पूछा जाता है किरायादार अच्छा है या नहीं अच्छा। आप मुझे बताएं आपको कौन से लोग पसंद है, पिंड वाले या टिंड वाले, सफर कौन सा अच्छा लगता है, बाबल की गलियां या चीचों की मलियां? अरे आप अपने घर के मसाइल मत छेड़े, अरे क्या बताओ आपको ख्वाजा साहब, इस मालिक मकान ने हमें बहुत तंग किया हुआ है भाई। मसलन क्या, हम जाने के लिए कहीं तैयारी कर रहे हुए, मिसाल के तौर पर हमने कहीं शादी में जाना, ये मालिक मकान आकर बैठ जाता है और हमें कहता है कि हमें किराया दो। अब जब एक बंदे की तनख्वाह 10 तारीख को मिलती है, हम इसको 3 तारीख को किराया कहाँ से दे भाई? और खुदा की कसम कभी कहता है बेटा क्या बनाया, मुझे रोटी दे दो, कभी कहता है चाय बना लो। करे आपको बेटा कहता है, कुछ मालिक मकान है जो बेटा भी नहीं कहते, डायरेक्ट कहते हैं कीप गए। सब हम आपके मालिक मकान की बात नहीं कर रहे, मैं आपके मसले हल कर रहा हूँ, आप मेरे खिलाफ हो जाते हैं। क्या मसले हल करेंगे इस खातून के? ओ ये तो मातमों की भी शादी वाले कपड़े पहन के जाते हैं। खातून बोला, मैं जवान लड़की हूँ, मुझे बहन कोई आप ही बोलो। चलो ये टॉपिक हम कहीं और ले जाएंगे। क्या कहते हैं आप, क्या मसला है? क्या मसला क्या? प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ लोग क्यों बोल रहे हैं? वैसे प्रॉपर्टी डीलर भी ऐसे ही करते हैं। इनको उर्दू में देखे, जैसे मेरे भाई ने कराची से कहा, क्या कहा? खबर यू अपना इसको क्या कहा? मेरा कहने का मकसद है, मैंने जब
मकान लिया किराए के ऊपर, ये प्रॉपर्टी डीलर ही था जिसने मुझे बहुत सारे सब्ज बाग दिखाए और कहे जी बड़ा अच्छा मालिक मकान है, बड़ा नेक, बड़ा शरीफ। यकीन जाने रात को 2 बजे बेल बजी, मैं कहे जी खैरियत है? कहते जी पेट में डकारे नहीं आ रही मुझे, वो फकी मिल जाएगी। आप तो फकी देने में भी मशहूर है जी। मैंने फिर उसको ऐसी फकी दी है। अच्छा, रात को 31 तारीख सुबह के कहते सुबह पहली ने, अच्छा जी, अच्छा याददानी कराता है, याददानी करवाता है। मेरे एक दिन मुझे भी पहली को मुझे पता था कि ये आगे किराया मांगेगा। मैंने 31 की रात 12 बजे उसको फोन करके कहा कि कल किराया नहीं मिलेगा, 2 तारीख को मिलेगा। कहते कि ये बात तुम सुबह भी कह सकते थे। मैंने कहा मैं अकेला रात सारी टेंशन में। दिमाग ना खाए, ये एक दिन रात को 3 बजे हमारे मालिक मकान साहब आ गए। नहीं, कोई शरीफ लोगों का तरीका नहीं है कि बात करें फिर आगे। मेरे शोहर को बोलते हैं, अरे भाई बात सुनो, कोई बीवी का इलाज बताओ। मैं कह रहे भी मेरी बीवी बहुत तंग करती है, आगे से मेरे शोहर ने इनको क्या बताया? कहते हैं अरे भाई अगर बीवी का इलाज होता तो मैं मलंग बन के फिरता। अच्छा, आपका शोर बड़ा बैठा मलंग मलंग जो आपके शोर ने कहा वो बात बताई। एक से क्या कहा? इसके मालिक मकान ने पूछा मसला क्या है बीवी के पास। मालिक ने कहा कोई दरवाजा रंग कीता, कोई दरवाजा रंग कीता, एक दुख बीवी दा, दूसरा मच्छरा ने तंग कीता। मच्छर से याद आया, मैं जरा अगर तवज्जो बेइज्जती है तो जी बिस्मिल्लाह, कॉलर है, ये कॉलर है जी, बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी ख्वाजा जी। जी बिस्मिल्लाह, कौन साहब कहाँ से? बनारस भाई, ज्यादा पुराना भाई। पुराना भाई क्यों जी, मौजूदा बनारस है कि तबीयत अच्छी है कि नहीं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। तुम्हारे इलाके तो ठंड हो गई हो सी? हाँ जी ठंड हो गई है, ते गला खराब होया। ओ बंदा इतने पूरा मला खराब होया, ते गला है। ए दसो के मालिक मकान किराएदार दी लड़ाई जड़ी है वो आपके इलाके में भी होती है या नहीं, कोई चक्कर है? मालिक मकान दा ए मसला है ना जी, सुनना मेरी गल जी जी। जदो किराएदार बह तो जाता बड़ी मेहनत करके तो मकान ले लैंदा है, हैं जी? सही। फिर किराया शार्ट कर दे, फिर आखिर जो ये कहता है भाई मैं कब्जा कर लवा ए मकान मालिक मकान नू। ज्यादा तौर जो किराएदार बहुत सताता है, ते बाकी चीज है जो मालिका ने भी पैसे लाए उन्हें उन्होंने भी हक बनता है। पास ऐसे मालिक होंगे जो रहम भी कर दे, पैसे छड़ भी देने ते कर भी देने। ते मेरे तो समझ इतनी उन्हें, क्योंकि असं भी किराए के उत्ते रहने पे हाँ, जो किराया शार्ट हो जाने तो फिर मालिका नू सताने। बिल्कुल बिल्कुल बनारस साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आप रेगुलर हमारे कॉलर हैं। बनारस भाई जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया। क्या जदो ये मकान बोली जी लेना तेरा नाम ते मैं था मर जानी है, जदों की जदों मैं मकान किराए ते लाया है। हाँ, प्रॉपर्टी डीलर ने मैंने दस्या जी सिर्फ 2 मियां बीवी ने। तो मियां बीवी 2 ही होंगे ने? 6 इन्हे 4 ए भैन पाई, 12 बंदे एक कमरे दे विच इन्होंने वाड़े ने पूरी। आपने नहीं, एक सेकंड, ये हर मालिक मकान कहता है कि छोटी फैमिली, मतलब आपने पर हेड किराया लेना होता है। आपने मालिक मकान है, आपने मकान किराए पे दे दिया, आपकी जायदाद को कोई नुकसान ना पहुंचाए, आपके घर को कोई तोड़े फोड़े ना, तो जितने मर्जी बंदे रहे आपको क्या तकलीफ है? यकीन करो पूरी दीवारा दे इन्होंने बच्चे ने तुहाडे वर्गे कार्टून बनाए ने। अच्छा बड़ा अच्छा, मतलब अच्छा पेंटर है वो मेरे जैसे जो बनाए हैं। ख्वाजा साहब का आपको क्या बताएं, हम इतना परेशान है भाई, इतना परेशान है। हमारे घर की कोई मोटर खराब हो जाए ये मालिक मकान कहता है खुद ठीक करवाओ, कोई बल्ब फ्यूज हो जाए हम खुद लगाते हैं, पंखे खराब हो जाए हम खुद लगाते हैं। मुझे ये बताएं ये मालिक मकान सिर्फ किराया लेने के लिए होते हैं? यार बहुत अच्छी बात की है भाई, बड़ा अच्छी बात क्या की है। जब ये कह रहा है कि मेरी इतनी बड़ी फैमिली, मैंने छोटी फैमिली बताई थी, तो इससे पूछो ना कि इसका ये हमारा मालिक मकान है, चलो इसका आगे कभी कभी पूछ ले। इसके सारे रिश्तेदार, इसका एक बनोई है जनाब, दोपहर को वो आ जाता है, ए छत सेम किस तरह है, और मैं जाके साले को पूछना मेरा मकान है। आपका जो घर है जो किराए पे, आपकी छत पे इसने अपने रिश्तेदारों की शादियां भी रखवा देता है? शादियां रखवा देता है, ओ यार बच्चों की सालगिरह रखवा देता है, और भी कोई पुठे काम कर देता है। आप मुझे ये बताया पुठे काम क्या मतलब? पुठे काम ये कबूतरबाजी पतंगबाजी ये पुठे काम है ना जी। खाज साहब भी किराए ते रहे ने, बड़ा अच्छा व्यवहार रहा है इन्हां दा, अगले ने 6 महीने का एडवांस दे के कटे कुट के इन्हां नूं, कहंदा जी मैं जानवर ले आके रखड़े अपने नाल। आपने जो हमारे से पूरे 1 साल का एडवांस लिया आप उसकी बात करो, ख्वाजा साहब को छोड़ो। एक सेकंड, एडवांस को थोड़े प्रॉपर्टी डीलर साहब की कहते हो, आप पे जो इतने इल्जाम लग रहे हैं कि आप खराब करते हैं लोगों को। यार ख्वाजा साहब पहले तो मेरी ये बात सुनो,
کہ اللہ کا واسطہ یار خاور پراپرٹی ڈیلر کو ادھر بٹھانا ہے نا, اگر پورا پروگرام کروانا ہے تو آپ کیوں یار یہ فون اپنا بند کر دو, یہ ان کو کہو انگریزی میں مجھے بلائیں یار, یہ اردو میں وہ کیوں کہہ رہا ہے مجھے, اردو میں کوئی غلط لفظ تو نہیں ہے, ناراض کرے لوگوں نے غلط بنا دیا, لفظ یہی ہے. اور کراچی والے نے کیا کہا ہے ابھی, ایک سیکنڈ آپ بات کی نوعیت کو نہیں سمجھ رہی. دیکھیے انگریزی میں پراپرٹی ڈیلر اور اردو میں, اس کو چھوڑے آپ یہ بتائیں کہ آپ دھوکہ کیوں کرتے ہیں. آپ لوگ کہتے ہیں جی اس میں یہ بھی ہے فلاں, میں ذمہ دار ہوں. جب آپ کوئی ایگریمنٹ کرواتے ہیں اس میں شرائط مالک مکان کی طرف سے ہوتی ہیں, آج تک کرایہ دار کی طرف سے کوئی شرط نہیں لکھی جاتی. او خواجہ صاحب میں ہی ذمہ دار ہوتا ہوں. دیکھو آج کل جب یہ کرایہ دار جب دیتے ہیں نا کسی کو, تو اس کا ایک فارم بنتا ہے جو تھانے میں انٹر کرانا پڑتا ہے کہ یہ کرایہ دار, میں نے وہ فارم بھی سائن کروا کے رکھے ہوئے ہیں. ایک سیکنڈ, یہ وہ چیز ہے جس کی میں نے آپ سے بات کرنی تھی. کرایہ دار رکھنے کے لیے اس وقت جو تخریب کاری ہو رہی ہے, مالک مکان کو چاہیے اپنے کرایہ دار کے کوائف پراپرٹی ڈیلر اور وہ تھانے متعلقہ میں جمع کروائے. آپ لوگ یہ نہیں کرتے, آپ اس میں بھی دو نمبری کرتے ہیں, سرٹیفکیٹ بنا لیتے ہیں پہلے سے بنا کے رکھا ہوا ہے اور جمع کرا دیتے ہیں, پتہ نہیں کون کتھے رہ رہا ہے. یار خواجہ صاحب آپ میرے پیچھے یار کیا مطلب, میرا نام تو بنٹے کھیل رہے ہیں. میرا دل کرتا ہے یہ میرے سامنے آئے میں ان کے دانت توڑ دوں. میں ایک سیکنڈ وقفے میں لے آؤں گا, لیکن آپ بات کریں. میں کہہ رہی ہوں میں جی میں ان کے دانت توڑنا چاہتی ہوں. جب یہ ہم نے مکان لینا تھا دن میں 10-10 مرتبہ فون کرتا تھا, ارے بھائی آ جائے آپ ہی, آپ کو گھر دکھا دیتے ہیں. اب ہم نے گھر لے لیا, اب ہمارے مالک مکان سے شکایت ہے, ہم اس کو فون کرتے ہیں, خدا کی قسم ہمارا نمبر اس نے بلاک لسٹ پہ لگایا ہوا ہے. آپ نمبر چینج کر لیں جی. آج آپ نے جو کرایہ داروں کے موقف کی ترجمانی کی ہے, یقین جانے میں سلوٹ کرنا چاہتا ہوں. آپ مزید عزت, سٹائلش, خوبصورت, ہینسم ہو سکتے ہیں, صرف جمعے کے جمعے نہ لیا کریں, ضروری ہے. ایک بریک کرنا چاہتا ہوں جی, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اپنا مالم خان صاحب, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کو چکا ہوا دیکھوں گا اور بہت سی باتیں کروں گا. صرف ایک بریک سے پہلے مجھے بتا دیں موسم کون سا پسند ہے آپ کا, بارش والا یا خارش والا؟ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں خواجہ آن ڈیمانڈ میں. جی مسئلہ یہ ہے, مالک مکان برا کوئی نہیں ہوتا, کرایہ دار کوئی برا نہیں ہوتا, یہ چھوٹی سی آپ کو ایک خلیج پار کرنی پڑتی ہے. مالک مکان کی جائیداد ہے اگر آپ خراب کریں گے, اور مالک مکان اس کو ٹھیک بھی نہیں کراتے. مالک مکان صاحب آپ کو اللہ نے مالک مکان کیا مطلب, تم نے مکان کرائے پہلے نہیں, تم نے بار بار تم اس کی طرف جا رہے ہو, کیوں وجہ کیا ہے؟ مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے جس کا مسئلہ ہے؟ اصل بنیاد ہے جھوٹ کی, جو پراپرٹی ڈیلر جھوٹ بولتے ہیں. آپ جب شڈ کا پہلا بٹن غلط بند کریں گے تو باقی بٹن خود بخود غلط بند ہو گئے, اور یہ بات بشیر درزی نے کہی ہے, ضروری نہیں کہ اچھی بات شیکسپیئر کہے. مجھ سے پوچھے پرابلم کیا ہے؟ اس مالک مکان کی بیوی سارا دن گھر میں آ کے بیٹھی رہتی ہے, تھوڑی دیر بعد پیاز دے دو, آلو دے دو, ٹماٹر دے دو, ایک دن میں نے پوری انڈی اٹھا کے دے دی, یہ لے جو, کیوں تنگ کرتے رہتے ہیں؟ یعنی یہ کرنا کرے مالک مکان کا ایک پروٹوکول تو ہے, مالک جو ہے جس کے ساتھ مالک لگتا ہے. ہاں جی اس کا بھائی مالک ہے. میری آنکھیں رکھ لو کچھ خواب دے دو, میری آنکھیں رکھ, واہ واہ یار شاعر بھی ہے, میری آنکھیں رکھ لو کچھ خواب دے دو جس میں تمہاری جھلک ہو, وہ شباب دے دو, چھوڑو ساری باتیں خواجہ, ایک نان پہ چار کباب دے دو. تیر میں صدقے جاواں, حرکتیں تمہاری اس طرح کی, چھوڑے بندے لگتے ہو تم. اب صدقے نہ جائیں, اب ڈس کے جایا کریں, پریشانی پریشانی. میں کہتا ہوں وہ کون سے خوش نصیب کرایہ دار ہیں جو اپنے گھر میں سکون کی نیند سوتے ہیں, سکون کی نیند. یار خواجہ ہم تو کروٹ بدلے چارپائی چون چون شروع کر دیتی ہے, تو تسی ٹائٹ نہیں کر دے؟ نہیں ہے ہی نہیں نا. آئیڈیل کون سا ہے آپ کا؟ میرا ہاں جی پیدا گیر یا چمچا گیر؟ پرندہ کون سا اچھا لگتا ہے, گرگس یا نرگس؟ گرگس. اچھا اس سے پہلے کہ میں کال لوں, میں تھوڑی سی بات کرتا تھا نا, میرا کسی سے کوئی, آپ کہتے ہیں نا کہ میں مالک خان کی طرف ہوں, یا آپ کہہ دیتے ہیں جی میں کرایہ دار, میں کسی کی طرف نہیں, میں نے ایک جینوئن بات کرنی ہے, اور میرے ساتھ میرا ایک کالر ہے, کال لے لوں پھر اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جی بسم اللہ کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام خان صاحب, کیا حال ہے؟ مزدور علی کوٹ نجم اللہ ہری پور تو. اور جی ہری پور زہرا میرا شہزادہ شہر. میں کیا کہہ کہہ دیا منظور اللہ صاحب, مالک مکان اور کرایہ دار اللہ الغنی اللہ. میں آخنا سب تو پہلے تے تایا آیا ہے, پوری پینل آئی ہے نہ سارا, میرا سلام تہاڈی پوری ٹیم سلام,
ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਾਡੇ ਟੈਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵੱਲ ਅਗਰ ਬਾਮੀ ਇਤਮਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਆਪਣੇ ਲਾਹੌਰ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਲਾਹੌਰ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਔਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਖਵਾਤੀਨ ਬੈਠੀ ਹੈ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਮਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਾਇਆ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕਰੋ ਉਸਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਰਜ਼ੀਨਾਮੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਫਾਜ਼ਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਾਤ ਵਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਬੰਦੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕਾ ਕਾਮ, ਲੇਕਿਨ ਕਭੀ ਨਾ ਕਭੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਤੂਨ ਆਪ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਸੇ ਬੋਲਤੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਕਾ ਗਿਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੋ ਹੈ ਬੱਚੇ ਆਪਕੇ ਜੋ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚੋਂ ਕੀ ਲਾਈਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਪੈਨਸਲੋਂ ਸੇ ਤਜਰਬਾਤੀ ਆਰਟ ਕਰਤੇ ਰਹਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰ ਦਿਆ ਐਵੇਂ ਨੰਬਰ, ਔਰ ਖਵਾਤੀਨ ਕਿਆ ਆਪ ਜੈਸੀ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਆ। ਤੋ ਭਾਈ ਬਾਜ਼ੂਕਾ ਦੇ ਐਸਾ ਹੋਤੇ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੋ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਰ ਦੀਵਾਰ ਪੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਿ ਘਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਰ ਜਾਤਾ। ਅਭੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀਏ, ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉਧਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਤੇ ਹੈ ਵੋ ਘਰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਆਪ ਜ਼ਰਾ ਆ ਕਰ ਦੇਖੀਏ ਤੋ ਸਹੀ ਘਰ ਕੀ ਹਾਲਤ, ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਸੇ ਚੂਨਾ ਗਿਰ ਰਹਾ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ ਵੋ ਘਰ, ਆਪ ਯਕੀਨ ਜਾਨੇ ਹਮਨੇ ਮਾਲਿਕ ਮਕਾਨ ਕੋ ਇਨਕੋ ਹਜ਼ਾਰ ਮਰਤਬਾ ਕਹਾ ਹੈ ਭਾਈ ਇਸਮੇ ਕੋਈ ਚੂਨਾ ਵੂਨਾ ਕਰਵਾ ਦੇ, ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ ਕਰਵਾ ਦੇ, ਯੇ ਕਹਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਰਹਿਣਾ ਆਪਨੇ ਹੈ ਆਪ ਕਰਵਾਏ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੋਂ ਮਾਰੀ ਹੈ ਹਮ ਇਸਮੇ ਪੇਂਟ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਏ। ਖਾਸਾ ਪੇਂਟ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇਸਕੋ ਰਹਿਣ ਦੇ ਭਾਈ, ਇਸਮੇ ਹਮਾਰੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਆਪ ਯਕੀਨ ਜਾਨੇ ਹਮਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਸੇ ਦੂਸਰੀ ਮਰਤਬਾ ਅਗਰ ਬੈਲ ਬਜਾ ਦੇ ਤੋ ਫੌਰਨ ਗਲੀ ਮੇ ਖੜੇ ਹੋਕਰ ਕਹਤੇ ਭਾਈ ਯੇ ਤੁਹਾਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਲ ਜੇਗੀ, ਕਿਉਂ ਬੈਲ ਦੂਸਰੀ ਮਰਤਬਾ ਬੈਲ ਬਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪ ਖਾਤੂਨ ਕੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਯੇ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਕੇ ਸਾਥ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਤੋ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਉਸਕੇ ਸਾਹਮਨੇ ਆਈਟਮ ਸੌਂਗ ਕਰੇ ਜੀ, ਕਿਆ ਕਰੇ ਵੋ, ਜਬ ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਕੇ ਮਸਾਇਲ ਹੋਣਗੇ ਜਬ ਉਸਕੇ ਸਾਥ, ਤੋ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਕੇ ਸਾਥ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਤੋ ਕਰੇਗੀ ਵੋ। ਆਪਨੇ ਕਭੀ ਕੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਕੇ ਸਾਥ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ? ਨਹੀਂ, ਆਪ ਤੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਹੁੰਚ ਪੜ ਜਾਤੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਵੀ ਤੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੈ, ਆਪ ਤੇ ਆਪ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਤੇ? ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਤਾ ਹੂੰ ਉਸਕੋ। ਕੈਸੇ? ਪੁੱਛਲੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਿਉ। ਚਾਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਿਉ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਯਾਰ, ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਲੜਾਈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਆਪ ਨੇ ਖੁਦਾ ਕਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਕੀਆ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਔਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਾ ਝਗੜਾ ਕਰਾਤੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਆਪਕੇ ਝੂਠੋ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਕਿ ਮਕਾਨ ਐਸਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲੀ ਛੱਤ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਮਕਾਨ ਲੈ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਦੀਵਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲੀ ਛੱਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪ ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਤੋ ਝਗੜਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋ। ਓ ਯਾਰਾ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਓ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੂੰ, ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਕੇ ਗੁਨਾਹ ਆਪਣੇ ਸਰ ਲੇਤਾ ਹੂੰ। ਹੈਂ? ਓ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦੇਖੋ, ਯੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਤਾ ਹੈ, ਯੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਤਾ ਹੈ, ਅਬ ਤੁਮ ਦੋਨੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲੋਗੇ ਤੋ ਤੁਮ ਦੋਨੋਂ ਕੇ ਗੁਨਾਹ ਜਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰ ਲੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਮਕਾਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਬਹੁਤ ਕਲਾਸ ਕਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਉਸਮੇ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੋ ਸਮਝੋ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮੇਰੇ ਸਰ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੋ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਫਿਰ 6 ਦਿਨ ਅਸਤਾਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਲੈ ਲੂ, ਫਿਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਇਨ ਜੁਗਤੋਂ ਕੋ ਬੜਾਤਾ ਹੂੰ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਜੀ, ਕੌਣ ਕਹਾਂ ਸੇ? ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਲੀ ਅਸਲਮ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਲਾਹੌਰ ਸੇ। ਲਾਹੌਰ ਸੇ ਅਲੀ ਭਾਈ, ਅਲੀ ਭਾਈ ਕਿਆ ਕਹੇਂਗੇ ਯਾਰ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਦੇ ਝਗੜੇ ਬੜੇ ਨੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਆਪਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ੂ ਟੋਕ ਸ਼ੋ ਕੀਆ ਹੈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਔਰ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਜੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਆਪ ਵਨ ਸਾਈਡਿਡ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੇ ਕਿਆ ਦੇਖਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚਾ ਬੰਦਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਘਰ ਦੇਤਾ, ਸ਼ੌਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿਰਾਏ ਕੇ ਘਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਰਹਿਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਔਰ ਜਬ ਵਹਾਂ ਪੇ ਰਹਿਤਾ ਵੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਮਝ ਕੇ ਲੈਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਰਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਤਾ। ਜਬ ਵੋ ਤੇ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੋ ਉਸਕਾ ਬੱਚੋਂ ਕਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਦੀਵਾਰੋਂ ਪੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਸਫੇਦੀ ਆ ਸਕੇ, ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਅਗਰ ਸਫੇਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਤਾ ਤੋ ਫਿਰ ਤੋ ਖੈਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਵਾਤਾ ਹੈ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਤਾ ਹੈ। ਸਰ ਅੱਛਾ, ਸਵਾਲ ਕਾ ਜਵਾਬ ਨੇ, ਆਪਕਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ,
नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी किराए पे रहता हूँ। नहीं 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 अगर आप किराए पे रहते हैं अल्लाह ने आपको अपना घर दे तो आप अपने घर में सफेदी कराएंगे ना, लाजमी बात है। तो बच्चे आपके अगर खराब करेंगे कि नहीं करेंगे, बच्चों को कहेंगे बैठ जाओ बेटा खराब नहीं करना ये कहेंगे। आपकी बात बड़ी अच्छी है अली भाई, मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का यार। मालिक मकान साहब आप बोलते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं, आपके सर में दर्द नहीं होता? हमारे तो हो रहा है यार, बोलते ही जा रहे हो। वो किसी टाइम कोई आराम से कोई प्यार से कोई मोहब्बत की बात भी तो कर लिया। शुक्र है अल्लाह का कि इन्होंने इतने एंकर लग गए ने इतने टीवी जाके, नहीं तो यह बंदे साहिवाल च कुकड़ कराए थे देंदे नहीं। अल्लाह के बंदे जैसा बंदा तो चिकन रोस्ट देख दे तो सड़क पे गाना शुरू कर देता है, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त तू। बहुत वल्गर। अच्छा एक सेकंड थोड़ी सी बात, मालूम खान साहब सफेदियां तुसी नहीं कराते? सफेदी तो है डिस्टेंपर ये छोटा मुंह नहीं धोता, ये सफेदी क्या करवाएगा? शक्ल देखे चले हुए कर, तुझ जैसी इसकी शक्ल है दूसरी तरफ चलाया आपने। मैं आपसे मालिक मकान साहब आप बताइए आपका काम नहीं है यार टूटी हुई चीजें, मतलब मोटर एक ऐसी चीज है जो आपके घर में ही रहनी है छोड़ के जानी है, उसको तो ठीक नहीं कराते आप? क्यों नहीं खाई साहब ठीक कराते, हर 10 मिनट बाद आके बटन लाते ने तारा बेचते ऑन कर देने भी एक बार तुम पानी झूठ बोल रहे हो, बकवास कर रहे हैं आप। एक सेकंड ठहरे जी, किस तरह आप कह सकते हैं कि हर 10 मिनट बाद लगाते हैं? दो दो घंटे तक लाइट जाती है और लाइट जो होंगी उदो एक मिनट भी नहीं जो रहन देते, हर वेले मोटर चलती रहती और मैं की करा गटर बंद हो जाते ने, अगले दिन मैं स्वीपर नु बुलाया गटर खुलवाया बिचो बच्चों दी नापियां निकलिया, दसो कोई गल करा ना नहीं तो होर के पूछाना है कि मतलब मरी रोड से जोड़ा दफ्तर है उधर की ने। मैं ये कहता हूं कि आप लोग आपस में आप किराया हर दफा बढ़ाते हैं, लिखते भी है उसमें साल बाद वादा किराया 20% सिर्फ इस्लामाबाद और पंजाब के इलाके को और हैं, ये भी ज़हन में रखिए कि हर एक का इलाका है। 10% हर साल बढ़ाना चाहिए किराया, लेकिन आप कानून के खिलाफ चल रहे हैं, 20% बढ़ा रहे हैं, 10% होना चाहिए। आप यकीन जाने ख्वाजा साहब हम इनकी वजह से बहुत परेशान हैं। वजह? इनकी वजह से हमारे हस्बैंड हमसे लड़ते हैं। इनकी वजह से? हाँ और क्या भाई, कहते होंगे ये गोरा मैं काला हूँ जी, वो लड़ते हैं वो इनके हस्बैंड तो हर वक्त लड़ते हैं, हर किसी से लड़ते हैं। परसों मेरे गिटे पे लड़े हैं वो बहुत ही लड़ते हैं। खबरदार खाई साहब खातून इसका जवाब दे, घर बोलती होवे ना यकीन करो एक नुक्कर तो गली दी दूसरी नुक्कर तक इहदी आवाज जांदी है। शुक्र करो तां लाउडस्पीकर नहीं लड़ाना पैंदा, आप इसी से अनाउंसमेंट करवा रहे हो। सारा दिन मियां बीवी सौण नहीं देंदे, सारी रात नहीं सौण देंदे, पता नहीं है की है मैनू भी, मतलब आपको क्या टेंशन है? आप मालूम कहां है अपने पैसे लो, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, ये सारी हरकतें तुम्हारी वजह से हो रही हैं। सारा कमाल खावर प्रॉपर्टी डीलर का है। ओ यूब साहब अपना खावर साहब खुदा का खौफ खाएं, मुझे एक बात बताएं मालक मकान आप मकान अपने बाज़कात आपके मकान परमानेंट मालूम कहां आपको चाबी दे देते हैं कि जी आपने, आपकी कोशिश होती है कि इस किराएदार को निकाल के नोटिस दे के अगला ले आओ 4,000 फालतू मिल जाएगा। वो तो हमने अपनी मजदूरी जेब में नहीं डालनी, इसको हमारे बच्चे नहीं है, हमारा घर नहीं है, हमने खर्चा नहीं चलाना। तो आपके एक बंदा अगर 6 महीने या 1 साल के लिए वो उधर टिक जाएगा तो हमारा काम तो खत्म हो गया ना। अब छोटे से मोहल्ले में हम एक प्रॉपर्टी दफ्तर खोल के बैठे हुए हैं, उसका किराया देना है, बिजली का बिल देना है और बड़े मसाइल है, दिन पूरा दिन तेरे जैसे कई बंदे आके तो रोटी खाते हैं। और मेरा मतलब है ख्वाजा साहब तेरे जैसे तो मलक अरशद बने हैं, तू गला करना है यार। वो आपको बंदा का इसने, हम तो आपको बंदा मानने को तैयार नहीं है। ये चीज जी मसाइल मसाइल इसका एक भाई है शायर है, इसका वो टूट पटांग किस्म की शायरी लेके हर रोज चाय के वक्त आके बैठ जाता है, ये नई गजल लिखी है, अब ना सुने तो शाम को इसके कान भरता है, ना कि बदतमीजी मेरे साथ की है। कोई शायरी ऐसी जो आपको उनकी पसंद आई हो? मुझे उनकी शायरी अल्लाह माफ करे मैं तो उनके शेर सुनता ही नहीं, ना याद रखता हूँ। बहुत अच्छी बात, कॉल ले लो ले। और ऐसे चक्कर 4 महीने 1,000 रुपया करवाया किराया छुड़वा लेना तेरा भाई एडा तू चंगा जी। कॉल लेते हैं, बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से? सफदर बलोच लोधरा से। लोधरा बड़ा प्यारा इलाका जी लोधरा, जहांगीर तरीन साहब। अच्छा क्या कहेंगे जी लोधरा के मसले यही है किराएदार मालूम खान के प्रॉपर्टी डीलर के? जी सर क्या मसले हैं किराएदार और मालूम खान की लड़ाई है, क्या कहेंगे आप? आवाज उनको शायद नहीं गई। फादर साहब सुना को आप फिल्म बना रहे हैं आप जी, तो घर की टूटी हुई चारपाई क्यों नहीं बनाते? पैसे नहीं लाता। शौक क्या है आपका? अच्छा शौक क्या है, इलम का या पश्तो फिल्म का? मॉडल कौन सी अच्छी लगती है?
आती भी या जाती भी? ये सारे जवाब तू देने ने ते फिर मैं तो उठ जाना। दे दियो जवाब, तुसी ते बिल्कुल जवाब ही दे देंदे। जवाब ही देंदे ते किराया मेट्रो च पै गए। मेट्रो वाले ने पूछा जी किराया, कहंदा मैं स्टूडेंट हां। उन्हें कहा तू की पढ़दा? कहंदा जी मैं अखबारां पढ़दा। हम ज्यादा बातें नहीं करो, दिमाग बहुत खराब हुआ है मेरा। मैं तो कहती हूँ खुदा के लिए ऐसे मालिक मकान को जो है ना अंदर करवा दे, ताकि इनको 10-10 साल की सजा हो। तो यही बात अगर वो कहे कि जी ऐसे किराएदार को अंदर करवा दे तो फिर तो ना आपके घर में कोई रहेगा ना वो खुद रहेगा। भाई हम तो टाइम पे किराया देते हैं। किस टाइम पे देते हैं? वो कहता है कि आप खातून है, जब भी कोई किराए के लिए ये भेजता है आप कहती है जी मेरे मियाँ घर नहीं है, मेरे मियाँ घर नहीं है। आपके मियाँ घर नहीं है तो आप शादी क्यों नहीं करती जी? मतलब शादीशुदा तो मियाँ को घर क्यों नहीं लगती आप? भाई मेरे मियाँ दिन के टाइम जॉब पे जाते हैं, 5 बजे के बाद आते हैं, हमेशा इनके घर से। क्यों झूठ बोल रही हैं? रात को जाता है, सुबह आता है, अभी आप थोड़ी देर पहले बताया मुझे। कभी कभी ड्यूटी रात की भी तो होती है ना। ये शाम के टाइम जब जब मेरे इनको पता है मेरा शोर शाम को, मोटरसाइकिल बाहर नहीं खड़ी तो ये आ जाता होगा कि शोर नहीं है जी, उस वक्त ही आता ना। बिल्कुल, ये ठीक 12 से 2 बजे के दरमियान आते हैं। भाई किराया दे दे, हमें बहुत जरूरी काम है। भाई जब आपको बताया हमारे हस्बैंड का टाइम 5 बजे के बाद है, तो भाई आप क्यों लेते हैं? कभी इनका बच्चा आ जाए किराया लेने के लिए, हम उनको किराया दे देते हैं, ये आके हमारे से लड़ाई शुरू कर देते। भाई आप होती कौन है मेरे बेटे को किराया देने वाली? बेटे पे इत्मार नहीं है, जवान है, वो घर जाके किराया भी तो नहीं देता ना यार। आप एक कसूर क्यों नहीं बनाते जी? मैं आऊंगा तो मैं किराया लूंगा, आपका बेटा आ जाता तो आप लड़ पड़ते हैं। खाई साहब खुदा की कसम मेरा तो सिर दर्द होने लग पाया इस खातून ने। देखो एदा खामन जाना, मैं कहना वो जन्नती, अल्लाह की कसम जन्नत में जाएगा सीधा। लेकिन तो खामन को देखा नहीं, ए जन्नती लग दी। जो भी है खाई साहब, ए वो जन्नती है जिन्हें ए अजाब अपने सिर साड़ा। खबरदार जो मुझे अजाब करे मैं दांत तोड़ दूंगी तुम्हारे। तू क्या समझता है तू मालिक मकान है, खुदा बना हुआ है? अच्छा सब नहीं है? सब काम कीजिएगा, दांत न तोड़िएगा। क्यों जी? पर टूटे हुए दांतों के साथ बंदा हंस तो नहीं सकता। बिल्कुल, आप भी ध्यान किया करें जरा। यार प्रॉपर्टी डीलर नु कहो दे अल्लाह दा नाम दे ए किराएदार इथो कड्डन मेरे कोलो। खबर पर हम भी कहते हैं आप जैसे मालिक मकान से हमारी जान छूट गए, आप क्या समझते हैं हम कोई भूखे नंगे हैं? एक सेकंड जी, सीधी सी बात बताना, अपने किराएदारों के घर रोजाना क्यों चक्कर लगाते हो? खाई साहब फिर एक कहंदे ने कि तुसी आंदे नहीं, पुछदे नहीं। मैं जाके पुछना मोटर सही चल रही है, कोई मसला, कोई टूटी खराब, कोई पंखा खराब, इन्हां कोलों पुछीदा, फिर मैं ठीक भी करवाना। चलो 2-4 हफ्ते लग जांदे ने ठीक करवाण च चीज नूं, लेकिन मैं जाके पुछना, मेरा फर्ज बनदा जाके पुछना। मैं आता है, हमारे तो आता है, आता है पुछता हर घंटे बाद, 2 घंटे बाद। कभी आता है मोटरसाइकिल ले जाता है, कभी आता है मेरी कोई ना कोई चीज उठा के ले जाता है। ख्वाजा साहब कौआ और मालिक मकान और साला जो चीज देखते हैं उठा के ले जाते हैं। एक मोटरसाइकिल का तो आपका जाती तजर्बा है, कौवे का तो मुझे भी है। एक कॉल ले लूं, इसके बाद इस बात को बनाते हैं जी। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ख्वाजा साहब कैसे हैं आप? ठीक है? ऐसा कौन साहब, कहाँ से? उस्मान इकबाल चनियोर से बात कर रहा हूँ। अरे चनियोर से, नासर चनियोटी का शहर जी, क्या कहेंगे मेरी जान? आज सर मेरी आपसे एक दफा मुलाकात हुई थी लाहौर अल्हम्रा में। अच्छा, जरूर हुई होगी, जरूर होगी। ये बताइए कि किराएदार है आप या मालिक मकान है? सर मैं, मेरा तो अपना मकान है लेकिन लाहौर में मैं किराए के मकान में रहता हूँ। अच्छा, तो कोई आपकी लड़ाई तो नहीं है कभी मालिक मकान से? जी बिल्कुल, कभी मोटर खराब हो रही है तो हमें कहते हैं कि आपने खुद ठीक करवानी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी त्रिवेदी साहब। हर बात हर चीज का इंसान को अपना ख्याल रखना चाहिए, मकान का करना ख्याल रखना चाहिए। आप इधर बैठे हुए चांदनी चौक में, आपके ढोल को बच्चे छेड़ रहे हैं, जाएं ख्याल करें जाके। अच्छा, वैसे लड़ाई है मेरे खिलाफ गालों में, तो सारे आसान हो यार। वैसे आपको देख के हर बंदे का हासा निकल जाता है। फाजा साहब अगर ये 1-2 मिनट के लिए चुप हो जाए ना तो काम की बात कर लें। काम की? हाँ यार, बिल्कुल। मैंने आपके लिए घर देखा है। किधर? 10 मरले का घर, क्या कमाल स्टूडियो बना हुआ, खूबसूरत लॉन, फूल, माली भी उन्हीं की तरफ से, और इतना खूबसूरत बंगला नुमा। वाह रे वाह। और किराया भी बहुत मुनासिब। बहुत ही मुनासिब, मैं वैसे ही ज्यादा किराया से तंग हूँ। कितना? 25,000 से 30,000 रुपया। नहीं जी, हर सहूलत मौजूद है। सीधा मोटरसाइकिल अंदर जाता है और उधर खड़ा करके आप माली से भी बात कर सकते हैं। ऊपर जाके मतलब गाड़ी जाती है कि नहीं? गाड़ी तो वैसे जाती है ना, सोसाइटी में गाड़ी क्यों नहीं जाएगी, गाड़ी जाती है। लेकिन कई लोग हैं ना जो गाड़ी घर के अंदर नहीं करते, यार घन पड़ जाएगा, घन पड़ जाएगा, इसलिए वैसे गाड़ी जाती है। घर बहुत अच्छा है, यकीन जाएगी। अगर आपको यकीन है ना तो घर की मैं अगर कहते हैं तो मैं कोई खूबियां बताऊंगा आपको। ऐसा अच्छा घर, अंदर जाएंगे सोफे लगे हुए हैं, बेड लगे हुए हैं, हर किस्म का सामान अंदर मौजूद है। बिल्कुल, कितने है?
सोसाइटी में है तो मतलब मैं क्या करूँ अब आप ये वाला जो 50,000 का मैंने आपको लेके दिया था वो इस घर को आप छोड़े ये छोड़ देते हैं सस्ता मकान मिल रहा तो मैं तो छोड़ दूंगा हाँ सस्ता हाँ वेरी गुड मैं बात चलाऊं उधर बात चलाऊं मैं तो आप बात ना चलाएं आप रक्षा चलाएं घर मैंने देखा है आपके लिए वेरी गुड जी मैं आपको लेके दूंगा ये मुझे यकीन कोई किराया नहीं कोई बिजली का बिल नहीं कोई गैस का बिल नहीं कोई आग आपको तंग नहीं करेगा किराया दे निकले बाहर पिछले ग्राउंड में पानी के बड़े बड़े पाइप पड़े हुए पर्दे लगाए अंदर जाके रहे कोई ऐसी बात आपके लिए कौन सी नई बात है सीधा करें आप सीधा करें आप सादे भी बुरे लगते हैं चाय पियेंगे आप चाय पियेंगे बनती है बनती है इतनी बेइज्जती के बाद तो चाय बनती है इतनी लड़ाई के बाद चाय बनती है मैं नहीं पियूंगा जाओ पियो अपना अजरबट्टी चाय लेके अपना बासी साहब चाय लाए दुकान फ्लैट किराए पे लेन देन का उपाय तमाम इदारा अब्बासी कैंटीन वाला एक सेकंड इधर आओ तुम्हारी कैंटीन है ये प्रॉपर्टी डीलर कब से बन गए हो वो भी कैंटीन पे नहीं हूँ हाँ नहीं हूँ प्रॉपर्टी डीलर नहीं हो ऐसे ही बना हुआ क्या मतलब पैसे कमाने के लिए मतलब ये हर बंदे ने आज तक जिससे मोटरसाइकिल रख लिया वो किराए पे मकान देख के दूसरे पे देना शुरू कर देता है अपनी दुकान पे भी लगा देता है यहाँ पे मकान किराए पे देता है आप कैंटीन पे लगा देते हो जबरदस्त समझे बात मेरी जबरदस्त यही बात मैं कह रहा हूँ कि ये जो प्रॉपर्टी डीलर है ना हाँ? पैसे कमाने के लिए ये लोगों से के साथ क्या क्या सलूक करते हैं ख्वाहिश अब मैं आपको आप ही तो किराएदार है ना यार मेरा किराएदार तुसी कह के मैंने कोई आम जहा नहीं करता नहीं समझ नहीं रही बात हाँ? मैं कह रहा हूँ आपके सारे मसाइल हैं है? बहुत सारे हैं है? उनको हम डिस्कस नहीं करते ठीक है मैं हूँ मैं भी किराएदार हूँ अच्छा कैंटीन मैंने किराए पे ली हुई है ठीक है उसका मालिक मकान सुबह मैं उसे बहुत ज्यादा तंग हूँ कड़ी नवी गल तंग तो आप सुभान अल्लाह कह रहे हो क्या तंग हो क्या कहते हैं आपका मालिक तंग इसलिए हूँ कि ये प्रॉपर्टी डीलर की वजह से मैंने ली है ना इसलिए तंग मालिक मकान अभी 28 तारीख होती है तो मुझे फोन करना शुरू कर देता है और पहली यार टाइम पे नहीं किराया अच्छा और ख्वाजा मुझे बताया मैंने कभी उसको लेट किया मुझे क्या पता मैं तारी मप्पू भी दा पुत्र और नहीं मेरा मतलब है मैंने उसको कभी लेट किराया दिया ही नहीं है ठीक है मैं छोटी खाना भी खा देता है आपकी कैंटीन पे चाय भी पी देता मुफ्त बिल्कुल और किराया भी टाइम लेता है मैं आपको बात बताऊं ये जो प्रॉपर्टी डीलर जाली बने हुए हैं जाली से मुराद है जी के जनरल स्टोर जिन्होंने खोला हुआ किराना स्टोर हाँ, वो भी कर रहे हैं लगाया जी मकान दुकान किराए के लिए खाली है होता क्या है इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है क्या है नुकसान ये है ख्वाजा साहब के जो बंदा गली से गुजरता है ना वो देखता है यार इधर कोई मकान खाली है मतलब असल वो होते हैं दहशतगर्द मुल्क दुश्मन वहाँ से लेके जाके वो हाँ यार दुकानदार को या किसी कंटीन वाले को क्या पता कि किराया नामा क्या है क्या चीजें हैं वो अपनी जमानत पे ले देता है और बंदे आ जाते हैं दो नंबर किस्म के और यही हमारे मुल्क में दहशतगर्दी इन्हीं की वजह से हो रही है जिनका कोई भी सुराग नहीं मिलता और भाई साहब ये जो प्रॉपर्टी वाला आपने बिठाया हुआ है और ये फिर थोड़ा सा बेहतर है उसकी वजह से कि इसका मुकम्मल दुकान तो है किरदारा तो है इसकी जान पहचान है ये वो सारी कार्रवाई पूरी करता है तो ये मैं आपको सिर्फ आखिरी बात ये कहूंगा कि ये ख्याल रखें कि कोई दहशतगर्द हमारे मोहल्ले में ना आए तेरे मोहल्ले में नहीं आंदा और किधर चले जाए नहीं मतलब हाँ। सारे पूरे पाकिस्तान में सिर्फ ये ख्याल रखें यार जिसको हम किराए पे ये जगह दे रहे हैं वो कौन है एक सेकंड असर क्या नहीं कर मोहल्ले में रहते मैं वही पे रहता हूँ उस बड़ा दहशतगर्द के लिए बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका बहुत शुक्रिया लेकिन आपके लिए मैं अच्छा सा मकान जरूर देखूंगा चले मैं आपको मरते वाले से देखवा लूंगा फजूल बात ये बड़ी कमाल बात है कमाल बात है अपने कलर देखे कितना खूबसूरत कलर पहना है कसम है बाल भी बड़े आज स्टाइलिश है चश्मा भी बड़ा खूबसूरत है लेकिन खूबसूरत लग नहीं रहे आप यार तुम मुझे स्टैंडर्ड अच्छे ले आके एकदम जरा सुटना है ना सुटना नहीं है ख्वाजा साहब दिलों करना यकीन या है जी दिल से हर बशर पे लाजम है सबर करना चाहिए हर बशर यार तुम्हारी शायरी कम है मतलब आपको क्या बताओ कि हर बशर को हर बशर पे लाजम है सबर करना चाहिए खड़ी हो जाए बस तो फिर उतरना चाहिए ये मैंने सिर्फ इतला दी है आपको खान साहब डॉक्टर साहब को गए डॉक्टर साहब ने पूछा राती की बर्गर पिज्जा कोल्ड ड्रिंक्स फ्रेंच फ्राइज और डॉक्टर कहंदा फेसबुक से अपलोड नहीं करना स्टेटस सच्ची सच्ची दस की खादा सी कहंदा जी टिंडे खबरदार भाई किसी ने ख्वाजा साहब की कोई बेइज्जती करने की कोशिश की बच्चा लग रहा है बिल्कुल इनका मुंह देखे कितना खूबसूरत है तरबूज जैसे लग रहे हैं भाई तेरी सोच ते फिटे मुंह तरबूज
और शक्ल देखिए शक्ल इसकी तरबूज जैसी है और क्या? गले में पपीते जैसी है। अच्छा माशाल्लाह आप रेडी लगाते हैं जी, क्योंकि फलों से निकल रही है, कॉल ले लो। ये रेडी नहीं लगाते हाँ? ये बोतलें बेचते हैं, कैंटीन है इनकी। अच्छा कैसे 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 कॉल लेते हैं जी? बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जनाब ख्वाजा साहब, मैं राजा रशीद गुजरांवाला से बोल रहा हूँ। अरे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह राय साहब, राय साहब जी ठीक हो? दुआएं दुआएं चाहिदियां ने, क्या कहेंगे मालिक मकान? भाई साहब गल है कि मालिक मकान के किराएदार ना जरा झगड़ा शुरू से चलना आया। आओ एक मेहरबानी करो कि बड़ी अहम चीज है गुजरांवाला दे विच गटरां ना जरा काला पानी है जी। अच्छा इस पानी नाल जनाब सब्जियां पैदा कीतियां जानियां ने, लोग काले यरकान ही मुबतला हो रहे हैं, सारा गुजरांवाला काला यरकान ही मुबतला, अस्पताल भरे क्लीनिक भरे मेडिकल स्टोर भरे महल्ले भरे, इस बारे में कोई प्रोग्राम करो तो आड़ी आवाज सारी दुनिया ही जानी है। बहुत शुक्रिया राजा साहब, मेरा वादा है जी नेक्स्ट टाइम करेंगे जी इस प्रोग्राम पे करेंगे, ये वाकई बड़ी बात है, अपनी नस्ल को खराब कर रहे हैं। एक ब्रेक करते हैं जी, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बात करेंगे मालिक मकान की, बात करेंगे किराएदार की, प्रॉपर्टी डीलर की बात करेंगे, और बात करेंगे तखरीबकारी की, किस तरह बचना है, अपना मकान देना है तो किसको देना है और क्यों देना है और कितने पैसों में देना है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वक्फे के बाद आना बड़ा मजा आता है, निकाश कैमरे पे आ गया। बात ना मालिक मकान के साथ हूँ जी, ना मैं किराएदार के साथ हूँ, मैं आपके साथ, आपके साथ जो मैं करूंगा जी, आपके साथ जो भी मैं बात करूंगा। मुझे एक बात, बड़े चक्कर लगाए हैं, जड़ी बातें हुई हैं, आप मालिक मकान से तंग है, मालिक मकान ये करता है, मालिक मकान वो करता है, ठीक है, आप मकान छोड़ के नहीं देते। मैं आपको क्यों ना छोड़ दूं जरा जी, मालिक मकान छोड़ के इतने मुश्किल से मकान मिला है ये, तो जब मुश्किल से मिला है तो फिर आपको ब्लैकमेल तो करेंगे लोग। तो ब्लैक वाजिद साहब जब ये मकान मैंने लिया, यकीन जानो पहले सात दिन उस मकान में चुड़ैलें नाचती रही हैं। आपकी फैमिली साथ है? मैंने चुड़ैलों की बात की है, कतरीना की बात नहीं की। इतने शोक शोक से सुन रहे हैं, कितनी परेशानी, कितनी मैंने टेंशन गुजारी है इसके मकान में, क्या क्या मैंने वहां पे कितने दिन मैंने खत्म दुरूद करवाया, वो मकान ठीक हुआ, जब कुछ रहने के काबिल हुआ तो साहब आ जाते हैं हर रोज किराया बढ़ाने के लिए, नई से नई टेंशन देते हैं। उसने आपको कहा था जी गैस भी होगी बिजली भी होगी सब कुछ है? कख भी नहीं, गैस बिजली की तरह है, टेंशन देता है बस, टेंशन देता कैसे आ जाता है, कैसे आ जाता है जरा पूछो से, पूछो से कैसे आ जाता है खान साहब, मैं कैसे आ जाता है पूछो से जरा कैसे आ जाता है खान साहब, किराया लैंड नहीं जाना होता, जाके मैं पूछना कोई मसला मसायल हो, बिजली लोड शेडिंग होंगी है, लोड शेडिंग की वजह तो इन्होंने यह समझ आती कि शायद बिजली आए नहीं, चलाते नहीं बिजली है यार, बिजली तो जब बिजली की बात करते हैं मैं कॉल ले लूं, बिजली तो आएगी तो चलाएंगे ना यार जी। बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, वाले साहब जी कौन कहां से? हाँ जी मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, किरण नाज बात कर रही हूँ जी। किरण नाज क्या कहेंगी यार? हाँ जी मैं ये कह रही हूँ कि मेरे किराएदार है, उन्होंने ना 6-7 महीने से स्टे लिया हुआ है, Okay. तो ना किराया दे रहे हैं ना बिजली पानी, मेरा गैस भी उतर गया, मैं लकड़ियां जला रही हूँ, ठीक है, मेरे किराएदार इतनी, वो औरत ने इस्लाम वगैरह करवाया वह धोखेबाज निकल आई है, तो मैं प्लीज मैं आपसे अपील करती हूँ कि मेरी बात को आगे फैलाया जाए, वो तो आए दिन वो स्टे ले लेती है, वो वकील को पैसे दे लेती है, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं वकील को दे सकूं, मैं आगे वकील कर सकूं, थाने जा के मैं परेशान हो गई हूँ, कोई मेरी बात नहीं सुनता, ना मेरे मियाँ का काम है, मुझे बताइए बच्चों की फीसें देनी, घर का खर्चा सारा किराए पे चलता है, मुझे बताइए मैं कहाँ जाऊँ क्या करूँ, बच्चों को डेली सजा दी जाती है। बिल्कुल सही आप कह रही हैं जी, बहुत शुक्रिया, मैं जरूर इस पे भी डिस्कस करेंगे और बात करेंगे, बहुत शुक्रिया। किरण साहबा का मसला ये है कि वो मालिक मकान है और किराएदार भी कुछ इस किस्म के जो स्टे ले लेते हैं, लेकिन ये बेफिक्र है जब तक अदालत की कार्रवाई चलेगी, किरण साहबा आपका किराया अदालत में जमा हो रहा है, ये याद रखिएगा, किराएदार ने जमा कराना होता है जब केस करता है या कोई बात होती है, उसको अपनी जरूरत है, उसने अपने बच्चों की फीसें जमा करवानी है, वो मालिक मकान है, मालिक मकान है, मालिक मकान पैड़े हैं वहां चंगे भी तो हैं, जहां किराएदार पैड़े हैं वहां चंगे भी तो हैं, तो आप तो बुरे हैं, आपने भी आप थाने लेके थे मालिक मकान को, इसको मैं थाने लेके था, मैं इसको थाने लेके, जो रोज मेरी मोटरसाइकिल से पेट्रोल चुराता था निकाल के,
میں اس کو تھانے میں لے کے جاؤں اور میں تھانے میں لے کے جاؤں؟ ایک سیکنڈ اس کے پہلے مسائل سن لوں. یہ موٹر سائیکل میری کھڑی ہوتی ہے کھڑی ہے, آیا پیٹرول نکالا اپنی موٹر سائیکل میں ڈالا نکل گیا. اب مجھے بتاؤ میں کیا کروں, اس کو سلوٹ ماروں؟ پیٹرول نکال لیتے ہیں صاحب, کوئی گل کہہ ہو جائے بندے دی گلاں تسی مان لیندے ہو, پتہ نہیں تانوں کی عقل ماری ہے تہاڈی. شکر ہے تو جڑا ہن کیتا نا, میں کہ گال نہ کٹ دے. اچھا او یار ایسا بندہ ہے تے کول پاپی نے 5000 روپے منگیا تے اکو کہندا جی 5000 روپے نہیں تینوں چاہیدا, او کہندی جی میں شاپنگ کرنی, کہندا تینوں پیسے دی ضرورت نہیں عقل دی ضرورت ہے. اکو پاپی کہندی تہاڈے کول اوہی چیز منگنی جڑی تہاڈے کول ہے. آپ پھسا نہ کرے, آپ پھستے ہیں تو لگتا ہے انسان ہزاروں سال پہلے بنمانس تھا. اچھا غصے نہیں ہونا ورنہ آج بھی لگے گا انسان بنمانس ہے. بھائی میں بہت تنگ ہوں, وہ خاتون صاحبہ نے بول دیا. بنمانس سے؟ جی کس سے تنگ بھائی؟ اس کا بنمانس اپنا ہے, تمہیں کیا ہے یار؟ ہے اس کا بنمانس؟ ہاں ہے. ہاں جی ہے, یہ سامنے بیٹھا ہوا ہے. وہ چارا بھی کھاتا ہے, سبز چارا بھی کھاتا ہے, دانا بھی کھاتا ہے یار. تو چھوڑ دے, وہ زور زور سے خراٹے بھی لیتا ہے. بتائیں جی لیتا ہے, اس کا اپنا کیا ہے تمہیں یار؟ کہہ کنو رہے ہیں آپ, خراٹے نہیں لیتے ہیں؟ میں آپ کے بدمانس, میرا گھر کہیں ہے, آپ کا کہیں ہے, میں کتھے فندی کتھے؟ کمال بات کر رہے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں, ہم بہت بیزار ہیں اپنے مالک مکان سے. آپ نے کون سا رشتہ کرنا ہے بچوں کا جو ادھر بیزار ہے؟ بیزار ہے تو مکان چھوڑیں. آپ مکان کی اپنی بات درست کریں, مالک مکان سے نہیں کہیں, میں میاں سے بیزار ہوں. کیوں بھی مالک مکان سے میں بیزار ہوں؟ کیڑے میاں کی گل کر رہے ہو, گو والا یا رو والا؟ اس کا اپنا میاں, اس کا اپنا شوہر. آپ کو کیا تعلق ہے؟ وہ بھی کرایہ دار ہے, آپ بھی کرایہ دار, ایک ہی گلی میں ایک ہی محلے میں رہتے ہیں نا جی. ہاں تو آپ ایک منٹ ٹھہریے, یہ جا کر یہ والا جو بھائی صاحب ہے نا, مالک مکان, تو ہماری شکایتیں لگاتے ہیں, کہتے ہیں جی ساری رات یہ بیٹھے ٹی وی دیکھتے رہتے. بھائی ہمارا گھر ہے, ہم کرایہ دیتے ہیں. ٹی وی کا بل آپ کو آنا ہے, ٹی وی آپ کا, گھر آپ کا, خامند آپ کا. ماما لگنا ہو, ماما لگنا ہے. کبھی اس کا خامند دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں. ماشاء اللہ اتنا خوبصورت ہے, خبردار میرے بچے ڈر جاتے ہیں. کیا ہو رہا ہے ادھر؟ ٹینشن دی ہوئی اس نے. ایک دن یہ آئے میرے کو, بولتے بھابھی آپ کے پاس کوئی گورا کرنے والی کریم ہے؟ میں نے کہا ہاں بھی بہت اچھی ہے. تو کہتے پھر اپنے میاں کو کیوں نہیں لگاتی؟ ہاتھوں میں لگاتی ہے, کریمیں کیوں نہیں لگاتی؟ ایک سیکنڈ, آپ نے اس کے بعد لگائی یا نہیں لگائی؟ رنگ تے چٹا نہیں ہوندا, میں کہ شائننگ تے آئے گی نا. اچھا یہ کمرشل کے پتہ کتنے پیسے ہوتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں, کوئی کال لیتے ہیں جی, دیکھتے ہمارے ساتھ. جی بسم اللہ, السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. واقع جی کون صاحب کہاں سے؟ میں بال پور سے بات کر رہا ہوں. اچھا ٹی وی کی آواز بند کر دیں, کہاں سے بول رہے ہیں جی؟ اچھا ٹی وی سمجھ دینے. مجھے ایک بات بتائے پراپرٹی ڈیلر صاحب, آپ بار بار کچھ کہنا چاہتے ہیں, بولیے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ, کھل کے بات کریں. بات آپ نے کھل کے کرنی ہے, یہ میں بتا دوں آپ کو. کھل کے آپ بات تو کریں, میں آپ کی بات میں ایوانوں تک پہنچاؤں گا. آپ کھل کے بات, خاموش ہو جائیں, کھل کے بات کریں آپ. اور چپ ہو کے بات کرنا, انگلی رکھ کے اب بات کرو تم, یہ پیو دا پتر سے گل کر رہا ہوں. کس طرح بات کروں میں؟ منہ پہ انگلی رکھ کے بات ہوتی ہے؟ اور میری نیک صفتی دیکھو, نیک صفتی؟ میں کتنا نیک ہوں, کتنا اچھا ہوں, کتنا شریف ہوں, یہ آپ نے دیکھ لیا. پچھلے ایک گھنٹے سے مالک لڑ رہا ہے کرایہ دار سے, کرایہ دار لڑ رہا ہے مالک سے. کسی نے پراپرٹی ڈیلر کا کوئی ذکر کیا ہے؟ اب کہ میں نے ان کو جا کے وہاں پہ بسایا ہے. پراپرٹی ڈیلر اور اس نکاح خواہ مولوی ایک جیسا ہے. نکاح خواہ نکاح کرا کے ساری زندگی واپس نہیں آتا, اور پراپرٹی ڈیلر دونوں کو مکان دے کے دوبارہ واپس نہیں آتا. آپ ایک جیسے ہوتے ہیں, لیکن لوگوں سے پوچھیں آپ نے کبھی تحقیق کی ہے؟ چھوٹی فیملی, بڑی فیملی, آپ نے کبھی تحقیق کیا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے؟ تخریب کاری, دہشت گردی جتنی ہو رہی ہے, وہ محلے کے گنجان آباد علاقوں میں چھوٹا سا گھر لے لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی کیا جی بیٹھے کراتے دیتے جی, میری ذمہ داری ہے. جانتے آپ کسی کو نہیں, ذمہ داری لے لیتے ہیں, پھر وہ دھماکے کرتے ہیں, ٹینشن دیتے ہیں. صرف ٹیررسٹ نہیں, چور ڈاکو بھی تو رہتے ہیں. غلط قسم کے وہ لوگ جو خواتین کا استحصال کرتے ہیں وہ بھی ادھر رہتے ہیں. ایک محلے میں ایک گندی خاتون کو, ایک گندے مرد کو آپ گھر لے کے دے دیتے ہیں, اس کے لیے بھی وہی کہتے ہیں کہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں.
اور خواجہ صاحب جب دفتر میں آ جاتے ہیں بعض دفعہ کام نہیں ہوتا، ہم بالکل ویلے بیٹھے ہوتے ہیں، کرایہ بھی سر چڑھا ہوتا ہے جو پراپرٹی دفتر ہوتا ہے ہمارا، تو وہاں پہ اگر ایک بندہ آ جاتا ہے کہتا ہے جی، میں نے کہا جی آپ کی فیملی کتنی ہے، انہوں نے کہا جی دو بچے ہیں، اب میں نے کیونکہ میرے جیب میں کچھ ہے ہی نہیں ہے، میں نے جلدی جلدی میں کہا جی کہ ہر بچہ شادی شدہ تھا، اس کے آگے دو نو بچے ہیں، میں نے یہ نہیں پوچھا، اس کے بچے تو دو ہی ہیں نا، باقی تک ایک ہوتے بچے ہیں۔ میں کال لے لوں جی، پھر بات کرتا ہوں جی۔ بسم اللہ، السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی۔ واقع صاحب جی، کون کہاں سے؟ ہلو جی جی، کون صاحب کہاں سے؟ یہ پنڈی سے بول رہا ہوں، اظہر۔ جی جی اظہر صاحب، اظہر صاحب کیا کہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ یہ جو خواجہ آن ڈیمانڈ ہے، خواجہ سعد رفیق ہے یا خواجہ آصف ہے؟ اور میں نے کیا کیا جی جو مجھے خواجہ آصف بنا دیا آپ نے؟ یہ ٹی وی کی آواز ذرا بند کر دیجئے۔ جی جی جی، حکم، کیا کہیں گے؟ اس سے تو یہ سامنے جو نظر آ رہا ہے خواجہ آن ڈیمانڈ، جی جی، اس سے لگتا ہے تو کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ اب میں کیا کروں، میں کس کا ساتھ دوں، کرایہ دار کا، مالک مکان کا؟ آپ کرایہ دار کا ساتھ دیں۔ کرایہ دار کا ساتھ دوں، ڈن ہو گیا جی۔ اوکے، بہت شکریہ، بہت شکریہ پاجی، انہوں نے بات اتنی کر دی ہے کہ کوئی شرم ہوتی ہے اور کوئی حیا ہوتی ہے، اور مالک مکان میرے کالر نے کہا کہ کرایہ دار کا ساتھ دو، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ کرایہ دار کا ساتھ دیو، تسی دار دا ساتھ دیو، مہینے دا کرایہ تسی دے دیو۔ تو صحیح ہے بھائی، آپ کلیئر کیوں نہیں کرتے؟ جب پوچھ رہے ہیں کون سا خواجہ تو بتائیں نا، آپ خواجہ سرا ہے بتاتے کہ اور ساتھ دیں۔ یہ کہہ کے رانی کو چھوڑ گیا خواجہ، یہ کہہ کے رانی، اس دفعہ میری فیور میں ہوگا، یہ کہہ کے رانی کو چھوڑ گیا خواجہ، ڈبل سواری دے پابندی، یہ تو چنگ چیتے بہ کے آ جا اور دیو ساتھ۔ مجھے بتائیں، آپ واقعی بے وقوف ہیں یا آج کچھ زیادہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ بالکل ہوں تو تمہیں بلایا ہے نا یار یہ جی۔ مجھے ایک بات بتائیں، معلوم کون سا، لمبی باتیں نہیں کرتے، چھوٹی سی بات ہے، مکان آپ کا ٹھیک ہے، کرایہ آپ لیتے ہیں، آپ رہنے کا کرایہ لیتے ہیں اور جس جگہ پہ رہا جاتا ہے اس کو آپ ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں۔ آپ خود کبھی ٹیکسی میں سفر کیا، رکشے میں کیا؟ رکشہ ٹھک ٹھک کرتا تھا، آپ سو باتیں کرتے ہیں، یعنی رہنے دے یار، صاف ستھری کو ٹیکسی لو، صاف ستھرا کو رکشہ لو۔ تو مکان کو اپنے آپ اس طرح نیٹ اینڈ کلین کیوں نہیں رکھتے؟ دروازے کا کنڈا ٹوٹا ہوا ہے، کرایہ دار میں کئی دفعہ ٹوٹی اگر لیک وہ خاتون اوپر لٹ رکھ دے گی، تسی 35 روپے کی ٹوٹی نہیں چینج کرتے؟ ایک سیکنڈ سوال میں اس سے کر رہا ہوں جی۔ ایسا بات یہ ہے کہ جب یہ لوگ گھر لیتے ہیں، یہ اندھے ہوتے ہیں، ہر ایک چیز دیکھ کے اور پوری پوری چیک کر کے لیتے ہیں کہ یہ پنکھے بھی لگے۔ آپ لوگ اس وقت کیا کہتے ہیں کہ چینج کروا دوں گا، کروا دوں گا اس وقت؟ نہیں جی، اس طرح لاندے ہونا، ساری چیزاں انہوں نے سیٹ کر کے دے دیا، ہفتہ نہیں گزرتا، پتہ نہیں کس طرح یہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ یار یقین کرو، جب سال تو بعد حساب کرنے نا، اگر سال کا سانو لاکھ روپے کرایہ آیا نا، تو 80,000 مینٹیننس سے لانا پڑے۔ رہن دے، مینٹیننس جیڑا بندہ اپنا منہ نہیں دھوتا، انہیں کی مینٹیننس کرانی ہے؟ اللہ کا عذاب پڑے گا آپ لوگوں کو۔ ایک سیکنڈ، آپ یقین کریں، ہمارے واش روم کی ٹوٹی ٹوٹی ہوئی ہے، اس میں لیک ہو رہی ہے، اور میں نے اپنا پراندہ اور زاربند کے ساتھ اس کو باندھا ہوا ہے، ٹوٹی کو ساری رات پانی بہتا رہتا ہے، ہم لاکھ مرتبہ اس کو منتے کر بھائی۔ اچھا مطلب جب اتنا آپ کر رہے ہیں تو یار 50-60 روپے کی آپ ٹوٹی چینج نہیں کر سکتے؟ بھائی ہم کہاں سے پلمبر لائیں، آپ آئیے، یہ خوبصورت بات ہے، ٹوٹی 70-50 روپے دی ہے، پلمبر 1,000 روپے مانگ لیتا ہے۔ بالکل، آپ آئیے، آپ آ کے نلکا ٹھیک کر دیجیے۔ میں وہ تو 200 لیتا ہے جی۔ آپ گاڑی میں اپنے ساتھ کیا رکھتے ہیں، اسٹپنی یا کوٹھے ٹپنی؟ یار تو میری ذاتیات پہ آ رہا ہے، ایک کال لے لوں پھر اس سے بات بات کرتے ہیں جی۔ بسم اللہ، السلام علیکم جی۔ السلام علیکم سر۔ واقع صاحب جی، کون صاحب کہاں سے؟ سر راولپنڈی سے فضل رازق بات کر رہا ہوں جی۔ فضل رازق صاحب، بسم اللہ، کیا کہیں گے؟ سر بات یہ ہے کہ آپ جو پروگرام چلا رہے ہیں، یہ پروگرام ہر غریب کو دل کو چھوتا ہے۔ ارے بڑی محبت، بڑی محبت۔ ہاں جی، تو یہ جو آپ کرایہ دار کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہے غریبی لوگ کرایہ دار کہتے ہیں، امیر بھی کبھی کرایہ دار رہا؟ امیر کرایہ دار ہوتا ہے، اپنا مکان مہنگا دے کے سستے کرایے تے چلے جاندا ہے جی سر۔ وہ کہتے ہیں غریب کے خون سے سرنج لگائیں، وہ سرنج سے سرنج نکال کے پھر خون سے نکالیں، ڈبل سرنج لگا کے خون نکالیں۔ یہ ہمارے پاکستان کی یہ بات بن چکی ہے، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ جو کرایہ دار ہے اس میں کوئی شک نہیں، وہ کہتے ہیں کہ تاکہ دوسرے کے جو میٹر ہے وہ اس کے بل بھی ہمارے دیں، کرایہ دار ہی دیں، ہمارا بل وہ بھی دیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ جو آپ بات کرتے ہیں یہ بڑی دل کو لگی، میں کافی دیر ہوئی یہ سن رہا ہوں، تو جو میڈم جو بات کر رہی ہے، میڈم کی بات کوئی سنتا اس لیے نہیں ہے کہ میڈم جو سچ بتا رہی ہے نا، وہ سچ لگاتی ہے، تو اس لیے سب کو غصہ آ جاتا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کی کال کا۔
कि किराएदार कोई भी हो जो बात करेगा वो सच्ची होगी। मालक मकान का है, मेरे मकान में मालक मकान गैस नहीं लगवा रहा सही तरह। तर्जुमानी कर रहे हैं आप किराएदारों की, तर्जुमानी कर रहे हैं आप किराएदारों की। मेरा हमेशा से दिल चाहता है कि मैं आपका नाम चांद पे लिखूं, लेकिन क्या करूं, ये ख्याल सिर्फ मुझे दिन के वक्त आता है। यार तेरिया गल्ला किराएदार तो उत्ते ने, लगते तुम शायर हो शक्ल से, बातों से, शक्ल से तुम लगते हो किसी थिएटर पे कंटीन चलाने वाले, हालात से तुम लग रहे हो भोले के यार, मुश्किलात से तुम लग रहे हो शाह के यार, और तू किधर ही आ रहे हो भाई। शक्ल से आप भी तो बड़े गोश वाले के सही लग रहे हैं, और एंकर बन के कर रहे हैं आप। अच्छा बदतमीजी की ना, चार बंदे बिठा के उनके सामने अपना कोई ए जड़ा तू चार फिक्के कह ना, ए तू मैंने बैलेंस किया है। हां जी मैं तुम्हें बता दूं, बदतमीजी नहीं करी किराएदारों, कैसा कंपटीशन डाल के बड़े बड़े एंकरों में अपना नाम शुमार करना चाहते हो। हूं मैं अल्हम्दुलिल्लाह हूं, ज्यादा बातें कर किराएदार, इसलिए तुम किराएदार हो, तुम्हारी सोच बड़ी नहीं होती, कंडीशन और जा नहीं सकते, बातें करते हो क्या बात सुने जी, किराएदार क्या किराएदार सामान से उतरे हैं, किराएदार गलत नहीं हो सकते, किराएदार होना कोई जुर्म है क्या, आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं। सुबह मैंने आपकी बेगम से पूछा, उनका हाथ जला हुआ है, भाई मैंने पूछा क्या हुआ भाभी जान, कहने लगी कि कल चूल्हे को आग लगी, वो मालिक मकान ने वो गैस का पाइप सही नहीं लगवाया, चूल्हे जो लगाए हुए ना वो दो नंबर किस्म का खराब लोहे के बने हुए हैं। बताइए आपस की बात है, वो मालक मकान के खिलाफ हुआ लगे, लेकिन मालक मकान भी क्या करे, मतलब रोज ताड़े आकर चूल्हे ठीक करे। आप चाहती है कि आप आटा गूंदे, पानी आप ज्यादा आटे में डाल देती हैं, मालक मकान आके कहे पैना तेरा आटा चो गई, तो ये तो नहीं हो सकता। मालक मकान से ताल्लुक ही ना रखें, वो अपना किराया लेके जाए पूरा महीना आप सुकून से। आप भी चाहते हैं कि मालक मकान आए ताकि रोज गप्पा और लड़ाइयां हों। चूल्हे में आग लगी हुई आपके चूल्हे में, अपने मियां का पूछे जिसके सीने में आग जल रही है। यार तू तो मियां की बड़ी गल्ला कर रहा, तू एदा साला लगना है। साला नहीं भाई, मल्लेदार हूं ना, मुझे नहीं पता इनकी टेंशन है। मल्लेदार अजीब आदमी है आप यार। मालक मकान साहब सीधी सी बात बताएं, इतना पैसा कमाते हैं आपने, छोटे छोटे दड़बे बना के किराए पे दिए हैं, छोटा सा एक कमरा, बाथरूम भी उसके अंदर छोटा सा होता है, वो कमरे आप लोगों को किराए पे देते हैं, छोटी छोटी फैमिलियां रह रही हैं, जुल्म नहीं करते कि आप ब्लैकमेल करते हैं, आपको पता है कि दूसरे शहरों से आते हैं ये सरकारी लोग हैं, इतना किराया ब्लैकमेल करते हैं आप लोगों को। खाज साहब इन्हों को पैसे होने से बड़े कमरे जाके लैन ना, किराया भी तो ओना ही होंगे ना, एक कमरा अगर मैं किराए से देना तो मैं कुछ छह कमरे का किराया थोड़ा ही लाया हो। बड़े किराएदारों के पीछे पड़े हुए हैं। आप क्या कहते हैं, कौन गलत है, किराएदार या मालिक मकान? असल में ये है कि आज के सूरत हाल आजकल इस तरह है कि देखे ना, एक कुर्सी लगा के दरख्त के नीचे बाल काटने वाला बैठा हुआ है, वो भी डीलर बना हुआ है। वाह वाह सही है। वजह से तो हमारी ये सूरत हाल खराब है, जब तक इन लोगों के ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं होगा कि जो रजिस्टर्ड डीलर हैं वो अपना काम करें, ताकि वो थाने में भी एक एग्रीमेंट की कॉपी जमा करवाएं, और साथ उनके अपने पास के रिकॉर्ड हो, इस चीज के पाबंद हो, तो कम से कम ये दहशतगर्दी दीगर इन मामलों पर काबू पाया जा सकता है। बिल्कुल सही क्यानी साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी कमाल आपने बात की है। वैसे प्रॉपर्टी डीलर सबसे अच्छा कौन है पता है आपको? कौन? सब्जी वाला। जी सब्जी वाला, रेड़ी वाला, खुदा की कसम जितने वो मले फिरते वो आके बताते हैं। ख्वाजा साहब उधर एक मकान खाली है बी ब्लॉक में, दूसरा अगर सी ब्लॉक में, वो ज्यादा अच्छा बता देते हैं। भाई साहब ये आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, यकीन करें। क्यों जी? बिल्कुल सही कह रहे हो, हर बंदा प्रॉपर्टी डीलर बना है। ये चीज आपने इसके लिए क्या किया है? मैंने देखे ना, आपका काम जैसे मेरा काम भी बहुत से लोगों के हाथ में आ गया है, आपका काम हर बंदा कर रहा है, आपने कोई अपनी यूनियन भी आपकी है, आपने कुछ नहीं किया आज तक कि यार हर दुकानदार मकान किराए पे ले रहा है, दुकानदार को पता ही नहीं किसका एग्रीमेंट कैसे होना है क्या होना है। और असल में इस तरह है कि हमारी यूनियन काउंसिल ने ये फैसला किया हुआ है कि यार आपके जितने भी लोग हैं प्रॉपर्टी वाले उनको एक तो लाइसेंस हमने इशू करवाए, वो बकायदा इसी तरह नहीं जांच पड़ताल करके फिर मकान किराए पे लेते हैं या देते हैं आगे, और जिस जो भी आता है उसके बैकग्राउंड उसकी पता करते हैं। लेकिन ये जो दुकानों में हो गए हैं ना, ये आरजी तौर पे वो एक गत्ता से रखते हैं, तो कहते हैं मुझे फलां प्रॉपर्टी वाले ने कहा हुआ है उसकी वजह से रखा हुआ है। अच्छा वो, लेकिन हो सकता है तो आप भी कहते हो, आप लोगों ने भी तो ये बच्चे जो मैट्रिक और एफए में पढ़ते हैं बच्चे, उनको मोटरसाइकिल जिसके पास है उसे कहते हैं जी आप मकान ढूंढो आपको मैं कमीशन दूंगा, उसको 1000-2000 देते हैं बेचारा मोटरसाइकिल तो सारा दिन फिरता रहता है। देखिए मेरा अपना बेटा भी इस काम में लगा हुआ है, वो भी इसी तरह पूरा दिन मोटरसाइकिल चलाता। अच्छा, रहता वो है। भी इतनी बातें नहीं,
आप मैंने कौन सी, मैंने कोई आपको गाली दी है? गाली दे सकता, गाली गाली देगा और गाली देकर जाएगा किथे? डेढ़ घंटे से इधर बैठा हुआ तो गालियां दिलवा रहे हो ना मुझे, और क्या कर रहे हो इधर? पूरी दुनिया आप पे थू-थू कर रही है। मैं तो कहती हूँ इनको जूते मारे भाई, जूते। ये ज्यादती हो जाएगी वरना मेरे लिए ज्यादती हो जाएगी। एक सेकंड, आपके पास भी एक चीज खाली है, वो क्यों नहीं किराए पे देते? पहला बंदा जो मुझे समझा, कौन सी? आपकी खोपड़ी खाली है, उसमें दिमाग नहीं है, किराए पे दे दें। इस बात के दांत निकाल रहे हैं भाई, एक कमरे का 8,000 रुपया किराया ले रहे हैं ये। कमरे का? बिल्कुल, बाथरूम जितना कमरा है उसका किराया 8,000 ले रहे हैं। अब आप ये सोचे, 8,000 किराया, बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, और जिसकी तनख्वाही 20,000 रुपया है, हाँ तो वो कैसे पूरा करेगा सर? आप बताइए, इनको खुदा का खौफ नहीं है? परेशान है ये खातून, यकीन जाने, ये कमरे का घर है, 8,000 रुपए किराया, वो इतनी तंग है, इतनी परेशान है, उसी कमरे में इसका वो बंगाली सा शोर भी इसके साथ होता है। ओए हेलो, तंग है बेचारे। तुम्हारा अजीब बात कर रहे हो आप, पूछ ले उससे। आप एक सेकंड, इस तरह आप उसको कर रहे हैं, आपने उसको शोर को गल सही की थी। और एक सेकंड, आपको कोई हक नहीं है कि किसी के घरेलू मामलात में दखल दें। नहीं, मैं नहीं दे रहा यकीन जाने, लेकिन ये हकीकत है। क्या हकीकत है बताए? क्या अच्छा, है? क्या यार है उसका खावन काला, तुम्हें क्या है यार? हाँ? को है क्या है? ये है ना यार, तुम के खबर, वो गाना गाती है, काला चा काला मेरा काला ही दिलदार। क्या चाहती है आप, आखिरी बात क्या चाहती है आप मालिक मकान से, क्या चाहती है? ख्वाजा साहब, मैं ये चाहती हूँ भाई, मालिक मकान को अपने किराए तक गर्ज होनी चाहिए, ठीक है? 10 तारीख को हमारा जब इनके साथ एग्रीमेंट हुआ है, तो ये 3 तारीख को क्यों आते हैं? ये 10 के बाद ही है ना, जब मेरे शोहर को तनख्वाह 10 को मिलेगी। और सफेदियां करवाए, हर साल के बाद इनको सफेदी करवानी चाहिए। घर का जो प्रॉब्लम है छोटे मोटे, वो करवानी चाहिए। जो खराब हो तो वो मालिक मकान जब किराया लेता है तो वो चीजें भी तो ये ठीक करवा कर देना। बिल्कुल सही, आप क्या कहते हैं भाई? भाई साहब 10 तारीख है ना, 10 तक आखिरी दिन 10 तारीख। हुण 10 नूं अगर मैं कई बार गया वा, 10 नूं जदों गया वा तो कहिंदे जी तुसीं बड़े लेट हो गए, पैसे लग गए ने। हुण दसो मैं 3 तारीख नूं 4 तारीख नूं जाना वा ते मेरा हक बणदा किराया ते मैं लैणा ही लैणा। लेकिन ये तो नहीं ना कि आप गुजरते हुए कह जी ठक ठक आज किराया दे दियो, ये भी बात है। आप क्या चाहते हैं भाई? कांटो भरी मुश्किल जिंदगी में आपका साथ कौन देगा? मामा चाचा ताया नहीं, आपका साथ देगी सिर्फ आपकी जूती। ओ राजा बाजार दे आरती, क्या आप क्या कहते हैं भाई साहब? मैं तो यही कहूंगा, देखें इतने लोग आप बैठे हुए हैं मेरे हवाले से, आप मुझे बदनाम कर रहे हैं, रोला डाल रहे हैं। अब देखें आप इधर होस्टिंग कर रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है मकान ढूंढने के लिए, आपके पास टाइम नहीं है। अगर आप मुझे फोन करके बता देते हैं कि यार खावर मेरे लिए फलां जगह पे मकान ढूंढ लेना, तो मैं कौन सा भी खावर हूं ना कमा, मैं कब गुनाह कर देता हूं कि अगर मैं 50-50 दोनों तरफ से ले लेता हूं? नहीं नहीं, कमीशन तो आपका बनता है, लेकिन आप लोग ये करते हैं। बहरहाल आपका शुक्रिया जी, आपका। अगर आप प्रॉपर्टी डीलर होते तो आप क्या सलूक करते हैं मालिक मकान और किराएदार के साथ? छोड़ दे। बहुत शुक्रिया आपका, आपका बड़ा शुक्रिया, तमाम लोगों का, आपसे बात करेंगे। मेरा कजन, ये मकसद नहीं है कि मैं ये मालिक मकान की साइड लूं या किसी किराएदार की या प्रॉपर्टी वाले की बात करूं। मसला ये है कि जितनी चादर है उतने पांव फैलाने चाहिए। अपने घर का किराया अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो किसी दूर इलाके में आप चले जाएं, किसी ऐसे इलाके में चले जाएं जो दूर हो। दूर आप इसलिए नहीं जाते कि आपको कन्वेंस इतनी महंगी पड़ेगी। अब सस्ते सस्ते मकान तो हैं, लेकिन हमारी जरूरतें जो हैं, हमारी जो जरूरतें हैं वो शहर के अंदर हैं, अच्छे इलाके में। तो पंजाबी कहते हैं कि चौपड़ियां ते दो, ये हो नहीं सकता। अपने औकात, अपने हालात को देख के मकान किराए पर लेना। और मकान मालिक मकान से मुझे एक ही बात कहनी, जिस तरह आपने अपना किराया लेना होता है फिर हर साल बढ़ाना होता है, तो उस घर की सफाई सुथराई आपका काम है, क्योंकि जो मर्जी हो जाए जायदाद वो आपकी है। जब आप 4-5-6 साल बाद सफेदियां करवाते हैं तो आपके पैसे भी डबल लगते हैं। अगर 7-2 साल बाद थोड़ी थोड़ी करवा दें तो ज्यादा रंग भी नहीं लगता, ज्यादा खर्चा भी नहीं होता। और प्रॉपर्टी डीलर से सिर्फ एक ही बात करूंगा, इस मुल्क को इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों के आए हुए लोग जिनमें से 2% 1% तकरीब कारी कर रहे हैं, आपने बचाना है। थाने में उसकी इत्तला दें, ऐसा किरायेनामा का उसकी कॉपी खुद पहुंचाएं, किसी किराएदार पे मालिक मकान पे ना छोड़ें। और मालिक मकान से कहूंगा ज्यादा किराए के लिए इस मुल्क को दहशत गर्दों के हवाले ना करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, इस वक्त तक इजाजत दीजिए। मसूद खाजा को अल्लाह हाफिज़।